हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है। ये बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो ये हमने मैक्रोनी लिया है 2 कप, इस कप से मेज़रमेंट करके इस कप से 2 कप मैक्रोनी लिया है। तो अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो चलिए, तो अब हम गैस ऑन करेंगे, पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। इस कप से, ये वाले कप से मेजरमेंट है, तो इस कप से आपको 4 कप पानी डालना है। अब इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए रखना है, तब तक इसको ढक्कन से ढक लेंगे, जब तक पानी अच्छे से उबले ना। पानी गर्म हो चुका, अच्छे से बॉईल आ गया है, तो अब हम इसमें सॉल्ट मिक्स कर देंगे। सॉल्ट इसलिए मिक्स करते हैं ताकि मैक्रोनी में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए सॉल्ट का। और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे, रिफाइंड ऑयल। ऑयल इसलिए मिक्स किया है ताकि जब मैक्रोनी डालें ये आपस में चिपके ना। तब हम मैक्रोनी भी डाल देते हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो धीरे धीरे करके मैक्रोनी डालेंगे। अब इसे हिलाते रहना है, बीच बीच में हिलाना है, इसको चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो वह नीचे लग सकता है, इसीलिए बीच बीच में हिलाते रहे। अब इसको हमें बॉईल करना है 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए अब हम बनाते हैं मसाला मैक्रोनी। तो इसके लिए जो मसाले यूज़ होंगे वो इस प्रकार से हैं। प्याज हमने लिया है 2, मीडियम साइज प्याज है, उसको फाइन चॉप्ड किया है। गाजर लिया है थोड़ा सा फाइन चॉप्ड सब्जी के हिसाब से। टमाटो लगेगा, 1 टमाटो फाइन चॉप्ड है। धनिया पत्ता है, बीन्स है, वो भी फाइन चॉप्ड किया हुआ है। फिर वेजिटेबल्स में लगेगा रेड बेल पेपर, येल्लो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, और आप अपने हिसाब से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 कली लहसुन का, उसको भी बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च है, उसको भी बारीक काट लिया है। नमक स्वाद अनुसार, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है थोड़ा सा। टोमेटो सॉस लगेगा बनाने के लिए, बटर या ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, सेज़वान चटनी है, फिर ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये मिक्स हर्ब्स है। 10 से 12 मिनट 15 मिनट हो चुका है, तो ये हमने जो मैक्रोनी डाला था, देखिए उसका डबल हो गया बॉईल होने के बाद, कितने बड़े बड़े अखिले खिले हो गए। तो ये अब अच्छे से पक गए हैं, बॉईल हो चुके। और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, सिर्फ 90% पकाना है, नहीं तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। तो अब हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो अब हम स्ट्रेनर में इसको अच्छे से, और इसको ठंडे पानी से वॉश करना है, पूरे से इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो इसका जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ठंडे पानी से वॉश हो चुका है, ये कितने खिले खिले लग रहे हैं। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हमने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए, तब तक हम इसका मसाला स्टार्ट करते बनाना। अब गैस ऑन करें, पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा गरम करना है। तो पैन अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें बटर डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ करते हैं, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह। अभी गर्म हो चुका, अब हम गार्लिक डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। और आँच हमेशा मीडियम रखिएगा। तो अब इसको अच्छे से भूनना है। गार्लिक का एरोमा आ रहा है। अब हम प्याज डाल देंगे, अब इसे भी इसके साथ सौते करना है, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को जस्ट सौते करना है। अब हम गाजर भी डाल देंगे, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर,
सारी सब्जियों को डालना है। येलो कैप्सिकम हम अच्छे से सॉटे करेंगे, पकाएंगे धीमा आंच पे। अब देख सकते हैं थोड़ा सब्जी पक गया है, तो अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे जो हमने बारीक काट के रखा था, इसे भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ और सब सब्जियों को अच्छे से सॉटे करेंगे और साथ ही ग्रीन चिली भी डाल देंगे, थोड़ा सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको थोड़ा पकाएंगे। अब देख सकते हैं वेजिटेबल्स पक गई हैं, तो अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालेंगे। अब थोड़ा गोल मिर्च छिड़के हैं, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मैक्रोनी डाल देंगे, अब इसे मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें सॉस डालेंगे, पिज्जा पास्ता सॉस 1 चम्मच के करीब, टोमेटो सॉस डालेंगे 1 स्पून, अब 1 स्पून सेजवान चटनी डालेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम मिक्स हर्ब्स डालेंगे थोड़ा, या पत्ता से इसको गार्निश करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना। अब थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे हम, हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करेंगे, चलाते रहना है कंटिन्यू, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो अब हमारा मैक्रोनी बनके तैयार हो गया, देख रहे कितना खिला खिला बना है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। तैयार हो गई हमारी इंडियन स्टाइल में मैक्रोनी। तो ये बहुत ही अच्छा टिफिन रेसिपी है, बच्चों को आप टिफिन में दे सकते हैं और ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।